हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है, सब लोग हम लोग घूमने जा रहे हैं। एक्चुअली अररिया से नेपाल बहुत नज़दीक है, तो हम लोग वहीं घूमने जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग निकले हैं, बहुत लेट हो गया था निकलने में, सो अभी हम लोग जस्ट निकले हैं। और डे है फ्राइडे और 24 जनवरी है, सो बस हम लोग अभी निकले ही हैं। निकले हैं, अभी जाने में बहुत टाइम लगता है वहाँ पे, मतलब जो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता है, 2.5-3 घंटे लगता है हमारे यहाँ से। तो बस वहीं जाने के लिए निकले हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ यहाँ से मतलब वहाँ पे गई तो ज़्यादा क्लिक नहीं कर पाई। तो जो भी मैं बाई कैमरा फ़ोटो ली हूँ वो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, शो ज़रूर करूँगी। वो किसी और ब्लॉग में मैं अच्छे से शो करूँगी जो भी मैं फ़ोटोज़ ली हूँ। और ज़्यादा मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर पाई, इसकी वजह से मैं आप लोग के साथ कुछ ज़्यादा शो नहीं कर पाई। बस वही जो क्लिप्स मैंने लिया वो मैं आप लोग के साथ शो कर रही हूँ। तो यहाँ बाबू कर रहा है मस्ती और मैंने कुछ म्यूज़िक नहीं डाला। मैं सोच चलो ठीक है, आप लोग से बात करते करते ही निकल जाएंगे हम लोग घूमने उमने के बाद। हम लोग यहाँ पे रात बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर हम लोग वहाँ से खाना वाना खा के निकले थे। बट 2.5-3 घंटा लगता है अररिया आने में। सो रास्ते में ये कुछ मार्केट्स नज़र आया था जिससे मैंने कुछ शॉपिंग भी किया था, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग किया था। मम्मी लोग जाने वाली है, पापा आने वाले हैं, तो मम्मी लोग चली जाएगी। तो मम्मी मेरी सास जाने वाली है, मेरे ससुर आएंगे लेने के लिए, वो ससुराल से, तो वो लोग आ जाएंगे, तो इसलिए उन लोग वो लोग चले जाएंगे। तो मैं उन लोग के लिए कुछ शॉपिंग की थी कि उन लोग को जाने के समय दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छा मार्केट है यहाँ का, मतलब काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हर चीज़ मिलता है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ परचेज़ किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मेरा होगा 2-3 दिन बाद वाला ब्लॉग में, जब मैं शांति से सब लोग चले जाएंगे उसके बाद में वो सब दिखाऊंगी। फिलहाल मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो मैंने मम्मी के लिए लिया है अपनी सास को देने के लिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। सानिया जो मेरी भांजी आई है वो जा रही है, उसको देने के लिए जो लाइन खड़ी हूँ वो सब दिखाऊंगी। ये सब मार्केट है, एक्चुअली मार्केट्स बहुत सारा क्लोज भी हो रहा था क्योंकि उधर का मार्केट बहुत जल्दी क्लोज भी हो जाता है। सो आप देख रहे हैं ये सब पूरा का पूरा मार्केट ही लगा हुआ, तो जाते वक्त तो बहुत ज़्यादा मार्केट था। बट हम लोग बहुत लेट से वहाँ से उधर से रिटर्न हुए, तो ये सब मार्केट बंद हो रहा था। और यहाँ पे मेन चीज़ है कि नेपाल का दाम बता, मैं कंफ्यूज जाती हूँ अकेले, मैं शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी नेपाल में, क्योंकि होता है ना कि वो कुछ और प्राइस बताता है और फिर उससे पूछना पड़ता है कि इंडियन कितना है। तो मतलब उस हिसाब से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ लेने में, क्योंकि नेपाली दाम वो बताता है फिर उससे कम होता है इंडियन प्राइस, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा। तो ये सब करते करते हम लोग निकलेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कुर्ती, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर दिख रहा है। तो मैंने कुछ लिया है, मैं आप लोग के साथ शो करूँगी 2-3 दिन बाद वाला ब्लॉग में करूँगी। कल वाले ब्लॉग ने इससे जो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग को मिलेगा देखने को, उसमें से मैं मम्मी का ही शो आउट करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊँगी। तो बस यही सब है। और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, निकलने हम लोग 2.5-3 घंटे लग गया हमें जाने में। और मैंने सोचा चलो आप लोग को थोड़ा मार्केट दिखा दूँ कि नेपाल का मार्केट आप लोग भी देख लीजिए। तो ये मार्केट से निकलते हैं हम लोग। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि प्राइस है ना, और विंटर का सीज़न का जो भी कपड़ा है ना बहुत अच्छे दाम में, प्राइस भी अच्छा और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। बाबू के लिए राहुल जी यहाँ से एक बार लेके गए थे, बट उसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा था। लेकिन ये भी बात है, जैसा आप कपड़ा लीजिएगा वैसा तो आपको प्राइस देना ही पड़ेगा, है ना? तो वही वाली बात हो गई है। तो हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे तो मार्केट बहुत लगा हुआ था, मैं उस टाइम कुछ दिखा नहीं पाई। एक्चुअली बच्चा इतना तो परेशान करने लगता है ना कि अब घूमूँ देखूँ खाऊँ कि मतलब फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लूँ, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। बट मैं आप लोग के साथ जो भी फोटोज़ है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो हम लोग अररिया पहुँच गए हैं, पहुँचने के तो 2.5-3 घंटे लग गया, तो भूख लग गया हम लोग को। मैं सोची घर जाके खाना बनाना, बहुत ही मतलब थक गए थे हम लोग भी। तो हम लोग यहाँ पे अररिया में ही एक साई स्वीट्स है, तो वहाँ हम लोग खाना खा लिए थे। मम्मी डोसा खाई थी, हम भी डोसा खाए थे, राहुल जी भी डोसा खाए थे। मम्मी पनीर डोसा खा रही है विदाउट अदरक वाला, ऑर्डर दे के बनवाए थे और हम लोग का अदरक वाला, तो मैं यहाँ खा चुकी हूँ। बाबू को यहाँ मिठाई खिला रही हूँ। और ये मैं एक्चुअली कैमरा दे दी थी सान्या को शूट करने के लिए अपना मोबाइल,
तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शूट कर दी है, तो जो भी शूट की मैंने वो लगा दिया, वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे शूट करती रहती है। और यहाँ बाबू मस्ती कर रहा है, अब हम लोग का काम हो चुका है, तो बाबू के लिए 2-3 चॉकलेट ले रही थी। और अगर गाइस आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पिक्स मैंने और वीडियोज़ लिया है वो मैं आपको किसी न किसी ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। सो चलिए आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक से कुछ नहीं होता है बट हमें अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।